क्लास एलकेजी। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 40। दिस इज योर बुक पेज नंबर 40 चैप्टर 8 IT 8। यहाँ पे आज आप लोगों को इट का यूज करना बताया जाएगा। अब हम आपको एक सिंपल लैंग्वेज में भी समझा रहे हैं, आप लोग अभी बहुत छोटे हैं। सपोज करिए जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज इट, ये क्या है, हम चाहें तो यहाँ आंसर लिख सकते हैं दिस इज अ कंप्यूटर। भाई आपको पता है कि ये कंप्यूटर है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो दिस इज अ कंप्यूटर, है ना। लेकिन क्वेश्चन में आप यहाँ ध्यान देंगे कि व्हाट इज इट लिखा है, यहाँ क्वेश्चन में इट का यूज हुआ है, इसलिए हमको आंसर में इट का यूज करके आंसर देना होगा। इट का यूज जहां हम चीज को जानते हैं, उसके बारे में हमें पता है, उसका नाम पता है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में इट का यूज होता है। लिविंग मतलब जैसे ऐसी चीजें जैसे जो सांस लेती हैं, लिविंग थिंग्स हैं, खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स या मतलब जो सांस नहीं लेते हैं, जैसे कि ये कंप्यूटर है और ये टीवी है, ये कहीं चल के नहीं जाता है, सांस नहीं लेता है, रोटी सब्जी दूध नहीं पीता है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स ये देखिए जैसे ये चल सकता है, उड़ सकता है, ये भी चल सकती है, खाना खाते हैं, लोग पानी पीते हैं, बोलते भी हैं अपनी लैंग्वेज में, है ना। तो इट का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होगा। सिंपल में अभी हम यही समझेंगे, यहाँ पे आप लोग अभी छोटे हैं। व्हाट इज इट, इट का यूज यहाँ हो गया, आंसर हमको इट में देना होगा, इट इज अ कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज इट, पिक्चर को हम देखेंगे, पिक्चर में यहाँ देखिए क्रो बना हुआ है, हम आंसर देंगे इट इज अ क्रो, इट इज अ क्रो। What is it? It is a dog. ये डॉगी है, छोटा सा कुत्ता है। What is it? ये क्या है? It is an orange. ये संतरा है। What is it? It is a cow. ये गाय है। What is it? It is a TV. ये टीवी है। यहाँ यूज हुआ इट का, ये हमने देखा, लेसन नेम है IT 8। इट के बारे में हम यहाँ समझे हैं कि इट का यूज यहाँ पे हुआ। ठीक उसके बाद पेज नंबर 41 पे एक्सरसाइज है, आंसर दीज क्वेश्चन, यहाँ पिक्चर्स को देखते हुए आंसर हमको कंप्लीट करना है। आंसर दीज क्वेश्चंस, व्हाट इज इट, ये क्या है, इट का मतलब होता है यह, इट का मतलब है यह, ये क्या है, तो ये टेबल है, तो इट इज अ टेबल, TABLE, टेबल। व्हाट इज इट, चॉकलेट पहले से लिखा हुआ है तो हम यहां लिखेंगे हम इट इज अ चॉकलेट। हम यहां पे देखिए 4 और 3 यहां कुछ गड़बड़ हो गई, 3 यहां पहले आ गया, 4 यहां बाद में लिखा हुआ है, तो इट इज अ यहाँ फिर वही टेबल ही बना हुआ है, तो हम टेबल लिख देते हैं यहाँ पे, व्हाट इज अ, इट इज अ TABLE टेबल। 4 नंबर है यहाँ पे, व्हाट इज इट, इट इज एन इग्लू, हम यहाँ शुरुआत इट से करेंगे, इट इज एन इग्लू। What is it? It is an aeroplane. तो यहाँ हम लिखेंगे it. It is an aeroplane. What is it? It is a kite.
तो हम यहाँ लिखेंगे काइट। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे और साथ में आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए। आंसर हमने पिक्चर्स को देखते हुए लिखा है। ये आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। एक बार फिर हम यहाँ पढ़ लेते हैं। व्हाट इज इट? इट इज अ टेबल। व्हाट इज इट? इट इज अ चॉकलेट। व्हाट इज इट? इट इज एन इग्लू। व्हाट इज इट? इट इज अ टेबल। व्हाट इज इट? इट इज एन एरोप्लेन। व्हाट इज इट? इट इज अ काइट। क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क लगा होता है और आंसर के बाद फुल स्टॉप, इस चीज़ का हमेशा ध्यान देंगे। तो कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। बाय बच्चों।